सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और गाइस, आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, आपने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा भाई। आज के इस गेम प्ले में आई है इंटी टी पायल, ठीक है। और मेरे को पता नहीं था कि भाई ये गेम में आई है, लेकिन भाई जैसे ही प्लेन पे नाम आ गया तो रिकॉर्डिंग उससे पहले ही ऑन करी थी। झूठ बोल रहा हूँ वैसे तो मैं, लेकिन सच बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था, ठीक है। और जब प्लेन में नाम आया, जब पता चला भाई इंटिटी पायल है, तो यार सुनो, अब यहाँ पे वॉल पे क्या बकचोदी चलती है। Form up on me. हेलो हेलो अली, हेलो हेलो पायल। थैंक यू। अरे एंटिटी जोनाथन से एंटिटी पायल कहाँ आ गया रे? हेलो एंटिटी पायल, हम क्लासिक में खेलते हैं यार, क्या बोल रहे हो ये? पागल हो गए भाई वाले वाले। इसे इसे क्या पता है इंचो? तो यार दीदी जो है ज़्यादा ही मतलब गुस्सा हो जाती है, तो वॉल पे से माइक अपना हटा लेती है, क्योंकि एक बंदा ज़्यादा बकचोदी फैल रहा था, ठीक है। और वैसे हम लोग जा रहे हैं गाइस जोरजो पुल। अब देखना ये है कि मैं इनको मारता हूँ या ये मुझे मारते, तो ये तो आपको गेम प्ले देख के ही पता चलने वाला है। तो यार वीडियो को फुल देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भाई मैं जोरजो इसीलिए उतरता हूँ क्योंकि भाई जोनाथन भाई भी अपने जो है जोरजो ही उतरते ज़्यादातर, तो मैं भी सोचता हूँ भाई ये भी यहीं पर उतरेंगे। लेकिन देखो अब क्या होता है यहाँ पे, अगर ये इनकी स्क्वाड आती है तो भाई अच्छा होगा हमारे लिए, अगर नहीं आती तो भाई फिर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। और वैसे मैं खेल रहा हूँ रेंडम्स के साथ में, और वो शायद अपनी स्क्वाड के साथ खेल रही थी, ठीक है। तो मैं तो अपने मतलब रेंडम्स के साथ ही खेल रहा हूँ। इनको पकड़ के लिया है, बोलने लगा भाई चलो मेरे साथ, मतलब मेरी फट रही थी अकेले जोरजो आने में, क्योंकि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने में वो उसमें मज़ा आता है, जब तुम रेंडम्स के साथ खेल रहे हो तो भाई इनको साथ में पकड़ के लाया करो, मतलब फॉलो करवा लिया करो, बोला करो भाई घटका जा रहे हैं, ठीक है, और इनको फॉलो करवा के और फिर जोरजो उतार दिया करो। तो यहाँ पर मैंने उतरते ही एक बंदा नॉक कर दिया था, तो मैं मतलब जहाँ भी दिख रहा था ना, मैं सोच रहा था भाई इंटिटी की मतलब इंटिटी की टीम है पूरी। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ दो बंदे आए होते हैं और एक बोट आया होता है, और यहाँ पे एक स्क्वाड अभी और है, तो उसको भी अभी देखना पड़ेगा। तो इसको बोट को फिनिश करते हैं, गन लूटते हैं जल्दी से और चलते हैं उसको स्क्वाड की तरफ। तो भाई नो अटैचमेंट कुछ नहीं था मेरे पास M4 में, इसलिए इतना घटिया स्प्रे, नहीं तो उस बंदे को तो मैं इजीली ले जाता। और वैसे भी यार वो कवर में चला गया था, तो ये इसने यहाँ पे एक बॉट नॉक किया, तो अब जाते हैं इसको ढूंढेंगे, उससे पहले इस बॉट को मार लेते हैं। तो भाई मैं आता हूँ यहाँ पे बोट जिसने मारा था, उस बंदे को ढूंढने जिसको मैंने स्प्रे दिया था। लेकिन भाई साहब इधर तो कुछ और ही चल रहा था, मतलब बंदा मतलब पता नहीं कहाँ गायब हो गया भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। मैंने सोचा भाई ऊपर है, ऊपर देख लूँ, तो भाई ऊपर भी नहीं होता है। और यहाँ पे मेरे टीममेट को वो बंदा नॉक कर देता है, जिस बंदे को अब मतलब अपन स्प्रे दे रहे थे ना, वही बंदा मेरे टीममेट को जो नॉक कर देगा। देखना अभी कहाँ नॉक करेगा, लेकिन वो देखना। मतलब भाई हमारे सेकंड नंबर वाले जो चाचा थे भाई इतना दूर चले गए कि उनकी उन बंदे ने नोक करके बिल्कुल पेटी बना दी, ठीक है। और इसलिए बोलता हूँ भाई टीममेट से कभी दूर मत जाया करो। और यहाँ पे मेरा टीममेट भी मतलब थर्ड नंबर भी जा रहा था, लेकिन भाई वो बंदा थोड़ा अच्छा था, इसलिए उस बंदे को जो है उस बंदे ने मार दिया। मैंने बोल भी था भाई रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे को आ जान दो, लेकिन भाई बंदा तो कतई जहरीला था, देख सकते हो बंदे ने उसको उड़ा दिया। सो यहाँ पे ये जोरजो जो है पूरा क्लियर हो जाता है, और यहाँ पे देख सकते हो एंटिटी पायल ने एक बंदे को नॉक किया, और मतलब हाँ नॉक ही किया। तो चलते हैं, आप देखते हैं बंदे मिलते हैं कहाँ पे। सो भाई उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भाई हम लोग को मतलब फुटस्टेप भी आ जाते हैं, तो हमने सोचा भाई बंदे होंगे ही होंगे जब फुटस्टेप आ रहे, तो हम लोग यहाँ पे डांस से रोकते हैं। अब फिर देखो Location.
तो भाई ये बंदा जो गलती करता ना, ये आप कभी मत करना। मतलब आप इतना अच्छा टीपी भी लेके ऊपर बैठे हो तो भाई वहीं पे बैठे रहना। इस बंदे ने इतनी गलती करी, अपने मतलब टीममेट को छोड़ के नीचे कूद के आ गया बंदा। तो भाई यहाँ पे ये स्क्वाड तो डेड हो जाती, लेकिन भाई साहब इतने में ही एक और स्क्वाड आ जाती, और वो स्क्वाड रहती है एनटीटी की। अब भाई इसने मेरे टीममेट को नॉक किया, तो भाई मेरी एकदम से फट गई, मैं गया ऊपर। ठीक है, और मेरी हीलिंग देखो आप, मतलब भाई चारों के चारों भाई ऐसे पुश करने लगे ना मेरे ऊपर, क्या ही बताऊं। और भाई यहाँ पे तुम्हारा भाई जो है मर गया। अब यहाँ पे मैं एक और बार आपको स्लो मोशन में ये वीडियो चला के दिखाता हूँ। तो यार आपने तो देखा ही होगा क्या डीसिंग में मरा मैं, लेकिन कोई बात नहीं यार। अच्छा मतलब अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना ही है, ठीक है। और इतनी अच्छी इतनी बड़ी क्लैन जो है मेरे सामने जो आई, तो और क्या खुशी हो सकती है यार इससे ज़्यादा। और यहाँ पे इनके आईडी आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग लगाते हैं न्यू मैच। तो ये वाला जो मैच है भाई बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने किए 24 किल्स, और भाई बहुत ज़्यादा ओपी मैच है। क्योंकि यार यहाँ पे मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड मान सकते हो एक जगह एक तरह से इसको, क्योंकि भाई इनको मैं किल मतलब लेने ही नहीं देता हूँ यार। एक दो किल ही ले पाते हैं ये लोग। तो यार देखो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वैसे हम लोग आए हैं पोचिंकी में, और पोचिंकी में बहुत तगड़ी भसड़ मचने वाली है, क्योंकि भाई इसमें आई है 2-3 स्क्वाड। तो भाई इन चाचा की जो है पेटी बना देता हूँ नोक करते, और इसके बंदे जो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं भाई, मतलब उजी उजी लेके भाई रस करने लगते मेरे पे। भाई क्या ही टीममेट ने कवर दिया, मतलब ओपी कवर यार। और इसके बंदे अभी दो बंदे और भी हैं ब्रोकन बॉल पे बैठा है, और एक एक बैठा है घर पे। तो यार इनको भी देखना पड़ेगा अभी। खैर यार ये तो रहते हैं बोट, और यहाँ पे भी एक बोट आता है। और इसके बाद अभी जो दो टीममेट बचे हैं वो उनको भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे मिलती है भाई क्या ही लूट लाए थे यार बोट दादा, मतलब M4 लेके आए थे, और इस बोट के पास थी UMP की एमओ, मतलब UG की एमओ। तो अब सामने जो बंदे हैं मेरे टीममेट पे रश कर रहे हैं, तो यार उनको देखना पड़ेगा। तो भाई इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही देखना यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाएगी ना, क्योंकि भाई 2-3 स्क्वाड इसी घर में रस करती है। तो आप देखो तो गाइस यहाँ पे दोनों स्क्वाड जो है डेड हो जाती है, और भाई हमारे टीममेट को भी हम लोग जो है इजी रिवाइव दे देते हैं। सो गाइस हम लोग को लग रहा था कि भाई हम लोगों ने पूरा पोचिंग की जो है खत्म कर दिया, लेकिन भाई साहब यही सबसे बड़ी गलती थी। और यहाँ पे अभी एक स्क्वाड और बाकी है, और जो कि भाई बहुत अच्छी स्क्वाड है। तो गाइस मैं इस वाले घर में आ जाता हूँ, इस वाले घर में मुझे मतलब साउंड आने लगता है सामने वाले घर से, और ये वाले ग्रीन वाले घर से भी। तो भाई मैं समझ गया था यहाँ पे 3-4 बंदे तो है ही।
मतलब भाई नीचे रुका ही हूँ मैं, टीपी भी ले रहा हूँ, और भाई इतने में इस बंदे ने जो है रश कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। और भाई साहब ये स्क्वाड भी यहाँ पे डेड हो गई। और भाई देख रहे हो भाई बंदों में जोश इतना ज्यादा था ना भाई, मतलब नीचे आया मैं और भाई इन लोगों ने रश कर दिया। लेकिन भाई अभी भी एक बंदा जो है मेरे घर पे जो है कैंप कर रहा था यार, इसको तो देखना पड़ेगा। तो फाइनली अब बोल सकते हैं कि अपन ने पोचिंकी को क्लियर कर दिया। ठीक है, देख सकते हो भाई एक ही जगह पे दो टीम थी, मतलब भाई कतई जहरी खेल रहे हो यार तुम लोग तो। सो गाइस पोचिंकी क्लियर करने के बाद हम लोग आते हैं भाई स्कूल में, और यहाँ पे देखो इस बंदे के साथ होता क्या है। और भाई साहब लेकिन इसके बंदे तो अभी सामने भी हैं, और यहाँ पे मेरा टीममेट जो नॉक हुआ। और वहां पे अभी एक बंदा और है, और भाई काफी ज्यादा लिट हो गया, मतलब एक एचपी तो हो गई होगा 100%। और फाइनली यहाँ पे ये स्क्वाड भी डेड कर दिया हम लोगों ने। सो भाई हम लोग जा रहे थे बंदे ढूंढने, और उतने में ही दिखती है ये बग्गी। और भाई बग्गी दिखते ही हम लोग इतना तो कंफर्म हो गए भाई दो बंदे या एक बंदे। लेकिन भाई साहब इसको जो मारा है ना, इसको मारने के बाद जो बंदे इतने ज्यादा गुस्सा हुए ना इसके, आप खुद ही देखो। तो भाई इसको तो मार दिया, लेकिन इसके बंदे भाई कुछ कम नहीं थे, मतलब इसके पीछे पीछे इसके बंदे आ गए। और भाई लास्ट वाला बंदा शायद एएफके था, और फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने भी भाई ये स्क्वाड भी डेड कर दी। तो आई होप आप लोग को ये गेम प्ले जो है अच्छा लग रहा होगा, और अगर गाइस गेम प्ले अच्छा लग रहा है ना तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक क्या अच्छा सब्सक्राइब कर दो। तो भाई आप लोग सोच रहे हो भाई नागिन वागिन नहीं मिली तक नहीं मिली क्या, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता एक गेम खेलें और इसमें नागिन ना मिले। तो यहाँ पे देखो हम लोग आते हैं ड्रॉप पे, और यहाँ पे कुछ नागिन नागिन देखो क्या होने वाला है अभी। मतलब भाई बंदे को गोली पड़ रही कोई असर ही नहीं, हमको तो ड्रॉप लूटना है, बस हमको ड्रॉप लूटना है, हमको AWM चाहिए तो चाहिए। और ये नागिन भाई अपने मन में ही थे, मतलब अपने मगन में थे, ये अपने धुन में, मतलब मगन में धुन में दोनों बंदे मतलब एक साथ आपस में लेट गए। तो भाई आ जाए यहाँ पे लेट जाते हैं दोनों, और जैसे ही आएंगे नीचे 10 लेंगे। और इनका लास्ट बंदा बचा है जो कि भाई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बंदा जो है कैंप करके बैठा रहता है। तो अब लोग अगर हम अब जाएंगे ना, देखो हमारे साथ होने वाला क्या है। अब सीधे मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में बैठ के, ठीक है, क्योंकि इतनी देर तक हमने लोगों ने ढूंढा बंदे को नहीं मिला, तो आप लोग खुद ही देखो। अब चाचा मतलब ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन रहे थे भाई, मतलब दिमाग इतना लड़ा है ना क्या ही बताऊं। मतलब हम जैसे ही गाड़ी में बैठे भाई और फायर करने लगे, और यहाँ पे एक गलत सीन होने वाला है मेरे साथ। तो भाई उसको देखने के बाद वीडियो को डिसलाइक मत करना, ठीक है, मैं उसका रीजन भी बताऊंगा अभी क्या क्यों हुआ वो चीज। अब एक बार वीडियो को फुल शुरू से देखना, ठीक है, थोड़ा सा पीछे करना, और यहाँ पे देखना वेस्ट और मेरा हेल्थ देखना, फिर बोलना भाई नॉक क्यों हो गया तू। ठीक है, पहले बात तो भाई वेस्ट ही नहीं है मेरे पास, और ना ही हीलिंग थी, मतलब 70% हील थी और भाई वेस्ट ही नहीं थी, दो गोली मारी एक एम की, भाई अपन नॉक हो गए। तो फाइनली ये बंदे को भी मार देते, और इस बंदे को मारने के बाद हम लोग चलते हैं दूसरी जगह। और भाई अब होने वाला है 4v1 क्लच, ठीक है, और इसके लिए एक लाई तो बनता है। ठीक है, अब देखो और भी बनी क्लच था यार, मतलब बंदा एक तो गाड़ी में बैठा है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, किसी की दिक्कत नहीं है, अपन गाड़ी में बैठेंगे बस। ठीक है, और एक बंदे ने फायर भी दिया तो वो थोड़ा सही बंदा था। तो इनके साथ 4v1 क्लच हो गया, 4v2 हो गया।
सो गाइस बेस से जा रहे थे हम लोग फ्लेयर पे, ठीक है, और अभी भी जा रहे हैं, लेकिन ये बंदे मिल गए थे तो इनका डब्बा बना दिया हम लोगों ने। और जैसा कि आपको दिख रही होगी सामने फ्लेयर चली है, ठीक है, तो वही फ्लेयर पे हम लोग जा रहे थे और इतने में भाई ये मिल गए, तो क्या ही बोले, इनका डब्बा बना दिया। और उनका डब्बा बनेगा नहीं बनेगा, हमारा डब्बा बनेगा या क्या होगा, तो आप लोग खुद ही देखो। और यहाँ पे इतनी इंटेंस सिचुएशन हो जाती ना, इतने बंदे लेटे रहते ना, आप खुद ही देखो। क्या क्या समझ रहे हो, हैकर वेकर समझ रहे हो क्या भाई? एक बार वीडियो को रिपीट करके देखो, उसका गन दिख रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने वहीं पे शॉट लिया। नहीं तो भाई तुम हैकर वेकर बोलने लोगो भाई इज्जत क्या रह जाएगी यार, तो थोड़ा दिमाग लगाया करो यार हैकर बोलने से पहले। और यहाँ पे इनका दो बंदे थे और इनका लास्ट बंदा बचा है अभी, ठीक है, एक बंदा फिनिश हो गया, इन इन टीम का लास्ट बंदा बचा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये टीम का लास्ट बंदा बचा। और उधर पे दो स्क्वाड या तीन स्क्वाड मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से, ठीक है, गाड़ी से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक बंदे को वहां पे नॉक किया है। और ये जो हम अभी जो जिस बंदे को मारा ना, दो बंदों को मारा, यहाँ पे एक बंदा और बचा है, इसको ध्यान में रखना बात को, ठीक है, लेकिन मैंने रखी थी इसलिए यहाँ पे हम लोग बचते हैं, वरना क्या होने वाला है आप लोग खुद ही देखो। यहाँ तो मैं मार देता हूँ एक को भाई। भाई मतलब क्यों क्यों खेलते हो भाई, एस जाने के लिए ऐसा कौन खेलता है भाई, एस तो आजकल भाई ऐसे भी चले जाते हैं लोग बाग, भाई क्यों खेलते हो यार, मतलब हद है यार भाई, एस जाने के लिए कौन खेलता है यार ऐसा। तो भाई यहाँ पे मतलब हम तीनों जो है नॉक हो जाते हैं और आखिरी टीममेट बचा रहता है, जो कि भाई मेरा सब्सक्राइबर था थर्ड नंबर भाई, उसने सबकी जान बचाई। और वो देखो पीछे, देखा दिखा आपको कुछ भाई, वही बंदा है जिसके दो बंदे मारे ना, उसी टीम का ये बंदा आके लेट गया, मस्त आराम से लेट गया भाई, मतलब हद है यार, क्यों खेलते हो यार ऐसा, मत खेलो, कोई मतलब नहीं है भाई। और अभी सामने वाली टीम के भी बंदे बचे हुए हैं, मतलब भाई देख लो भाई, भाई क्यों यार ऐसा क्यों खेलते हो, मुझे एक बार कमेंट करके बताना। लेकिन गाइस अगर आप लोग ऐसा खेलते हो ना तो मेरी वीडियो मत देखना, क्योंकि ठीक है, अगर आप लोग भी ऐसे ही खेलते हो, अपना नारा है पेलम पेलम पाल गोपाल नारा है अपना शायद, है ना, वो वाला नारा है, तो इसलिए अपन को टीयर के लिए नहीं खेलना है, अपन को सिर्फ किल के लिए खेलना है, ठीक है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है ना, टीयर के लिए मत खेलना कोई भी, सिर्फ किल के लिए खेलना। अगर आप लोग किल करने लगो ना, किल करने लगोगे ना तो भाई अपने आप ही टीयर बढ़ेगा, ठीक है। सो इनको फिनिश करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे बंदों की तलाश में, क्योंकि भाई बंदे ही मारने और कुछ अपने को काम नहीं है, सिर्फ बंदा मारने काम है। सो गाइस उसको मारने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद भाई एक टीम दिखती है जिसमें कि भाई एक बंदे को बहुत ज्यादा लीड करता हूँ, और भाई एक बंदे को मतलब नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ भाई, क्योंकि डब्बा नहीं बनाओगे ना तो ये लोग नहीं सुधरेंगे यार। मतलब आके भाई वहां पे लेट गया बंदा, जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा हो। गाइस कभी भी मतलब एक बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग भाई लेटे हो ना और सामने हाई एडवांटेज है, तो सामने वाला बंदा आपको दिख देख लेगा, ठीक है, क्योंकि हाई एडवांटेज से आप लोग दिख जाओगे कितनी घनी घास हो। भाई वो बंदे तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन भाई इतने में ही जोन आ जाता है, और इनके साथ जो सीन हुआ ना वो खुद ही देखो आप। और भाई इनका लास्ट बंदा बचा था जो कि मेरे टीममेट को नॉक कर देता, और एक बंदा मर जाता है जोन से, और ये बंदा भी जोन से ही मर जाता है, तो यहाँ पे ये स्क्वाड डेड हो जाती है। और मेरे टीममेट को अब मैं नो मतलब रिवाइव दूंगा, और यहाँ पे बचे हैं टोटल तीन बंदे, तीन बंदे नहीं दो बंदे बचे, एक बंदा मेरा ऑफलाइन हो चुका है। सो गाइस 5 मिनट ढूंढने के बाद सामने जो है हम लोग को बंदे दिख भी जाते हैं फाइनली, और यहाँ पे अब देखो क्या होने वाला है। तो वहां पे एक बंदे को नॉक करते ही मैं फिनिश कर देता हूँ, और एक बंदा जो है मेरे टीममेट को फिर से नॉक कर देता है। तो यार इसको रिवाइव देने के बाद अब लगाते हैं अपन कॉन्करर वाला दिमाग, और पूरे में मतलब स्मोक कर दूंगा, इसका व्यू जो है उसका विजन जो है पूरा ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये बंदा मुझे देख ही ना पाए इस पे मैं रश करूं तो।
लेकिन यार चाचा बहुत चालाक थे, लेकिन हमारा भी स्प्रे भाई इतना घटिया नहीं है यार। सो डेट ऑफ सगाई, आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद है गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।